कहते हैं कि आपदा में ही अवसर होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो किसी के ऊपर तो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हमें स्ट्रेस देखने को मिलता है या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी दूसरे ग्रुप के लिए वहीं पर एक अवसर भी जन्म लेता है। जी, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एक अवसर के बारे में। ये अवसर है एंटरप्रेन्योरशिप का। जी, आज हम बात करेंगे सर्जिकल और मेडिकल इंडस्ट्री बेस्ड कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और आपके लिए भी एक नया अवसर, बहुत ही सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। तो मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ सर्जिकल और मेडिकल इंडस्ट्री बेस्ड कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइटनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जाने, डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो आज का हमारा पहला बिजनेस आइडियाज है सर्जिकल मास्क से। आजकल मास्क शब्द किसी के लिए अब अनजान नहीं रहा। हालांकि हम पहले इसका यूज बहुत कम देखते थे, लेकिन जब से हमने कोरोना वायरस या पेंडेमिक की जो सिचुएशन देखी, उसके बाद से मास्क तो हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। अगर हम मास्क की बात करें तो इसे प्रोसीजर मास्क, मेडिकल मास्क या फिर जस्ट अ फेस मास्क के नाम से हम जानते हैं। इसे खासकर पहले अगर हम देखें तो हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा इसका यूज किया जाता था ड्यूरिंग द सर्जरी, और या फिर हमने देखा होगा कि नर्सिंग के दौरान जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जिनके कहा जाए कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स के माध्यम से जो भी वियरर्स होते थे उनके माउथ और नोज को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। सर्जिकल मास्क को ऑपरेटिंग रूम्स को स्टराइल करने के लिए यूज किया जाता है, जर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन पेशेंट से हमें देखने को ना मिले। सर्जिकल मेट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, डिस्पोजेबल लाइनन, सिंथेटिक मटेरियल्स या फिर हम बात करें एक खास तरीके के फाइबर यानी कि पॉलीप्रोपिलीन की, इनसे तैयार किया जाता है। इसे अलग अलग लेयर्स के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में देख सकते हैं, यानी कि इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन अचानक से ये सर्जिकल मास्क में बूम कैसे देखने को मिला, उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइटनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जाने, डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। जब से कोविड की सिचुएशन आई, जिसकी वजह से हमने अक्रॉस द ग्लोब इनकी डिमांड में बहुत बड़ा हाइक देखा, और सबसे ज्यादा जरूरी था कि कोविड को फैलने से बचाया जाए। यही कारण था, चाहे किसी के पास खाने के पैसे नहीं हो लेकिन वो मास्क जरूर खरीदता था। यही कारण है कि घर घर में लोगों ने बचे हुए कपड़ों से या फिर कहा जाए कि जो भी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के थ्रू लोगों ने कई सारे स्टार्टअप शुरू कर दिए, यानी कि उन्होंने मास्क की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि हमने एक सिचुएशन ऐसी भी देखी थी जहां पे मास्क की शॉर्टेज देखने को मिली, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा थी बट सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से कोविड के बार बार या फिर कहा जाए कि फ्रीक्वेंटली आने की संभावनाएं हैं, इसकी वजह से इसके मार्केट साइज में भी काफी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और कई सारे नए स्टार्टअप भी अब रन हो रहे हैं और वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो आप क्यों इस सर्जिकल मास्क के बिजनेस से अपने आप को पीछे रखे हुए हैं? तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि इस बिजनेस आइडिया को आप भी ऑप्ट करें। तो अगर हम बात करें इंडियन सर्जिकल मार्केट साइज के बारे में, तो इसे 2017 तक मेजर किया गया था कि ऑलरेडी 58 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो चुका है, और आफ्टर कोविड ये मेजर किया गया कि 2025 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 95 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका सीएजीआर भी 6.1% तक रहने वाला है 2018 से लेकर 2025 के दौरान। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया जो कि रिलेटेड है हैंड ग्लव्स से। हैंड ग्लव्स की अगर हम बात करें, यानी कि खासकर अगर हम सर्जिकल हैंड ग्लव्स की बात करें, तो कोविड-19 की वजह से इनकी डिमांड में भी हमें तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि सर्जन्स और फिजिशियंस द्वारा इनका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था और ये एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे अब देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इन हैंड ग्लव्स की, तो इसका मेन पर्पस
होता है कि किस तरीके से इसमें प्रोटेक्ट किया जाए या पेशेंट्स को सेव किया जाए किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके के पॉलिटन से। ग्लव्स की अगर हम बात करें तो इसे हमेशा डिस्कार्ड कर देना चाहिए जब भी इसे डॉक्टर्स या सर्जन द्वारा यूज किया जाता है, जिससे कि डिसीज के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। ऐसा नहीं है कि हैंड ग्लव्स का यूज सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही किया जाता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री में तो किया ही जाता है। तो क्यों ना आप भी आज ही इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करें और अपने आप को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो इसीलिए आपको बता देते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। अगर हम बात करें इंडियन सर्जिकल ग्लव्स मार्केट साइज के बारे में, तो इसे एस्टिमेट किया गया था कि 2022 तक ऑलरेडी इसका मार्केट साइज 116.9 मिलियन $ के बराबर हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका CAGR भी 7.5% तक रहने वाला है 2022 से लेकर 2030 के दौरान। तो आज ही ऑप्ट करिए इस बिजनेस आइडिया को। अब जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है हैंड सैनिटाइजर से। अगर हम सच में बात करें तो हैंड सैनिटाइजर्स का यूज ऐसा नहीं है कि हमने COVID-19 के बाद ही देखा। बहुत सारे स्कूलों में एसेंशियल कर दिया गया था कि बच्चों को अपने साथ हैंड सैनिटाइजर्स को कैरी करना है, लेकिन इतना ज्यादा यूज हमने नहीं देखा था जितना यूज हमने आफ्टर कोविड पैंडेमिक सिचुएशन देखा, जिसकी वजह से आज ये हर घर की एक एसेंशियल कमोडिटी के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि एक प्रिवेंटिव नेसेसिटी बन गई थी फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। लेकिन हैंड को वॉश करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता। यही कारण है कि लगातार ग्लोबल मार्केट हैंड सैनिटाइजर का बढ़ता गया, क्योंकि आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बार बार आपको वॉशरूम वगैरह जाने की या फिर वाटर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि कोविड के दौरान जब हमने रियलाइज किया कि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब है, या फिर हम कहें किसी भी तरीके के बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाब है। बाद में लोगों ने जब हमने देखा कि कोविड की सिचुएशन जो बहुत ज्यादा पीक पे थी वो नॉर्मलाइज हुई, उसके बाद भी इसके यूज में हमें कमी देखने को नहीं मिली। यही कारण है कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती रही। और अवेलेबिलिटी अगर सैनिटाइजर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में इसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर थी, अगर कहा जाए नेग्लिजिबल भी हम मान सकते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा इतना ज्यादा इसे यूज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कमी थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने रियलाइज किया कि इसकी डिमांड में इंक्रीज हो रही है, तो इसकी सप्लाई को भी इंक्रीज करना होगा। इसकी वजह से बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरर्स सामने निकल के आए जिन्होंने हैंड सैनिटाइजर्स को बनाना शुरू किया। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि WHO की गाइडलाइन का यूज जरूर आपको करना होता है अगर आप किसी भी तरीके के हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ आपको कई सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अगर हम बात करें कि हैंड सैनिटाइजर्स की कैटेगरी की, तो बेसिकली आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल सैनिटाइजर्स, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहती है फार्मास्यूटिकल सैनिटाइजर्स की। अगर आप भी हैंड सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि कई तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट वगैरह से अपने प्लान के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, और चाहे तो आप इसके लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की यानी कि जो भी आप सैनिटाइजर बना रहे हैं उसकी डिमांड में आप हाइक देख सकते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लोग जितना ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, शायद अब उतनी ऑफलाइन परचेजिंग आपको देखने को नहीं मिलती। तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके मार्केट साइज के बारे में, तो ऑलरेडी इसका मार्केट साइज 114.60 मिलियन $ तक पहुंच चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 से लेकर 2027 के दौरान इसका CAGR भी 7.75% तक रहने वाला है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको सर्जिकल और मेडिकल बेस्ड ये तीनों बिजनेस आइडियाज खासा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही और भी बिजनेस आइडियाज के लिए आप अभी विजिट कर सकते हैं @www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।